तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में सफल तो सब होना चाहते हैं बट वो सफल नहीं हो पाते हैं? मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन से कारण हैं जो उनको सफल होने से रोक रहा है? बहुत सारे हम में बहुत सी प्रतिभा है, हम सब में बहुत सी प्रतिभा है और उसके बाद भी हम चाह कर भी वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैं जितना भी आज सक्सेस हूँ, जितना भी आज मुझे अचीवमेंट मिला है, जितना भी मुझे सत्कार मिला है, जो भी चीज़ मैंने अपनी लाइफ में ली है, वो जानते हैं मेरे स्टूडेंट या मेरे पास में रहने वाले लोग कि मैंने अपनी लाइफ में कितना संघर्ष किया है। दोस्तों इसी संघर्ष को लेकर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी के तहत, कि हम जिंदगी में सफल, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझाऊँ कि सफल तो सभी होना चाहते हैं जिंदगी में बट उसके पीछे जो कारण है जिसकी वजह से हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या कारण है कि क्यों हम कहीं पे जकड़े हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि चाह कर भी हम वो काम नहीं कर पाते हैं। रात के टाइम पे महात्मा जी अपने शिष्य के साथ में जा रहे थे और उनको बहुत भूख लगी, तो उन्होंने सोचा कि रुक कर कहीं पे खाना खाया जाए। तो उन्होंने एक आदमी के घर चले गए और वहां देखा कि वो आदमी का हाल बहुत फटे हाल था, मतलब फटे हुए कपड़े पहने हुए थे और उन्होंने खाना खाया और रात में उन्हीं के यहाँ सोए। और सोने से पहले उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि आप कमाते किधर से हैं, आपकी जीविका क्या है? तो उसने बताया कि वो सामने आपको जो भैंस दिखाई दे रही है, एक खूंटे पे एक भैंस बंधी हुई थी, तो उसने बताया कि बस वो भैंस का पालन पोषण करता हूँ, उसका दूध निकलता है तो वो दूध बेचता हूँ और जितना पे पैसा मिलता है मैं उससे अपनी जीविका कमा लेता हूँ। और उन्होंने बताया कि आपके घर के सामने जो खेत हैं ये पूरे वीरान पड़े हुए हैं, इसका कारण क्या है? तो उसने बताया कि खेत मेरे हैं, बस ऐसे ही पड़े हुए हैं, मुझे खेत में क्या काम करूं मुझे समझ में नहीं आता है और करना तो चाहता हूं बट क्योंकि मेरा चल रहा है, सब बढ़िया है, भैंस से पूरा काम हो जाता है और जीविका में जो मिलनी है वो मिल जाती है, सारी चीज़ सही चल रही है और जितना भी मुझे थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होता है लाइफ से वो भैंस से मिल जाता है और जितना मुझे खाने पीने के लिए चाहिए होता है वो सब पूरा हो जाता है। तो उन्होंने महात्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया और सो गए। तो दोस्तों जब रात में बहुत घना अंधेरा था और जब वो पूरी आधी रात हो चुकी थी तो महात्मा जी उठे और अपने शिष्य से बोले कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे खाना खा लिया है और हमने यहाँ पे आराम भी कर लिया है। तो चलते समय महात्मा जी ने बोला कि उसकी जो भैंस आप सामने खूंटे से बंधी हुई है उसको निकाल के उसको ले चलो और ले जाके कहीं पे बीच में जंगल में छोड़ देते हैं। तो शिष्य ने बोला कि महात्मा जी आप ये कैसी बात कर रहे हैं गुरु, उन्होंने क्योंकि वो तो उनके गुरु थे, उन्होंने बोला गुरु जी आप कैसी बात कर रहे हैं, एक तो उस बंदे ने हमें खाना खिलाया, ऊपर से उन्होंने हमें जगह दी और हम उसी की भैंस को हम चुरा के ले जाएं और कहीं पे भी जाके छोड़ दें। आपने सुना नहीं कि उसने क्या कहा कि उसकी पूरी जीविका इस भैंस से है, अगर हम उसकी भैंस ले जाएंगे तो वो खाएगा पिएगा क्या? तो उनके महात्मा जी ने कहा कि जैसा मैंने तुमसे कहा है वैसा करो और ज्यादा मत सोचो। तो वो उनके गुरु थे, उनकी बात तो उसको माननी थी, तो वो ले गया बट उसके दिमाग में हमेशा वो दिल में उसकी बात रही कि ये जो मैंने किया है गलत किया है। अब बहुत सालों बाद उनका जो शिष्य था उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए, बहुत अमीर आदमी बन गया और उसके दिल में तब भी वो बात थी कि उस आदमी का क्या हुआ जिसके घर में मैंने खाना खाया, जिसके घर में मैंने सोया और उसकी मैंने जीविका जो जिससे वो पैसे कमाता है वो चुरा कर मैं ले गया, तो चलो अब उसकी जाके मदद की जाए। तो वो जब उसके घर गया तो उसने देखा कि सब बदल चुका था, उसके घर के सामने जो खेत थे वो पूरे अब हरे भरे हो चुके थे, वहाँ पे बगीचे वो आ गए थे पूरे और वो घर जो छोटा होता और जो टूटा हुआ घर था, खपरेल जो घर था, वो अब बहुत बड़ा मतलब विशाल काय घर बन चुका था। अब उसने सोचा कि ये आदमी तो वो हो नहीं सकता, वो तो बहुत दरिद्र था और वो क्या करेगा, तो उसने सोचा कि हो सकता है कि वो चला गया हो, तो क्यों ना जो भी इसके घर में जाके रह रहा हो उससे पूछो कि इससे पहले वो जो आदमी था वो कहाँ गया हुआ है। तो जब वो घर के मालिक से जाकर मिला तो उसने देखा कि वो वही आदमी था जिसने उसकी रात में मदद की थी। उसने पूछा कि आपने याद है मुझे, आपको याद है कि मैं और मेरे गुरुजी ने आपके यहाँ खाना खाया था, रुके थे? उन्होंने बोला मैं आप लोगों को कभी नहीं भूल सकता हूँ। तो उसने बोला ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि पता नहीं जिस दिन आप मेरे घर आए थे और मैंने आपकी सेवा की थी उसी रात किसी ने मेरी भैंस छुड़ा ली, कि कुछ समय तक तो मुझे समझ में नहीं आया, मेरे होश उड़ चुके थे कि मैं करूँ क्या। तो उसके बाद में पर
क्योंकि जीना तो था, जीविका तो कहीं ना कहीं से कमाना थे, पैसे तो कहीं ना कहीं से लाने थे। तो शुरुआत में मैंने जंगल से लकड़ियां काट के लाई और उन्हें मार्केट में जाके बेचा। उससे जो भी पैसे मिलते थे मैंने बीज खरीदे और अपने वीरान जो मेरे खेत थे उसमें डाल के मैंने खेत में नई नई फसलें उगाई, और जो उससे पैसे मिले मैंने बगीचे, और आज मेरे पास बहुत सारे आम के बगीचे, बहुत सारे फलों के बगीचे, जिससे मैं बहुत सारा पैसा कमा लेता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि उस रात अगर वो भैंस चोरी नहीं होती तो मैं जीवन में उस समय जितना दरिद्र था आज भी साथ उतना ही दरिद्र रहता कभी, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि जितना मेरा चल रहा है मैं उतने से ही खुश हूँ। मैं जबकि मेरे में ये सारी प्रतिभा थी कि मैं इतना सब कुछ कर सकता हूँ, फिर भी मैं ये नहीं करना चाहता था। मेरे सामने मेरे खेत पड़े हुए थे, हो सकता था कि किसी दिन मैं खेत तो कोई बेच देता और समझ में नहीं आता कि क्या होता। पर मैं उस दिन का, उस रात का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि जिसने भी मेरी भैंस चुराई उसने मेरी जिंदगी बदल दी। तब उस जो शिष्य था उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने गुरु के पास गया और गुरु के घर जाके चरण छुए, और उनने पूछा कि उनने बोला कि गुरुजी आप जो आपने उस दिन किया आज मुझे समझ में आया कि वो आपने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों इससे आपको क्या सीख मिली कि यही वो क्षण होता है कि जिंदगी हमें आपको पहचाननी है कि अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसी कोई भैंस है, अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई रोड़ा है, ऐसा कोई कारण है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि जब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं तब तक आप वही फील करेंगे जैसा आप जिंदगी भर फील करते आए हैं। क्योंकि जब तक आप उस ग्वाले की तरह कि वो भैंस को छोड़ के उसने नई जीविका चालू की, जब तक आप नया काम या नई तरीके से आप या उसको और अच्छी तरीके से शुरुआत नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खासकर ये मैं मोबाइल रिपेयरिंग के टेक्नीशियनों भाइयों को बताना चाहता हूँ जो भी काम कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपको बहुत सालों से काम है आता है और YouTube से देख देख के आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, पर मेरे को लगता है कि आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कुछ मोबाइल तो आप जुगाड़ से बना सकते हैं पर उन मोबाइलों का क्या जिसमें आप जुगाड़ नहीं चल पा रहा है। दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे यूट्यूबर में बहुत सारी दोस्तों होता है क्या है कि बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन के लिए मैसेज आते हैं। मेरा मानना यह है कि सोल्यूशन वही लोग मानते हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और या तो वो इंस्टीट्यूट से पढ़कर आते हैं जिनमें वो सही तरीके सीख नहीं पाते हैं। अब सपोज ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो 2-3 महीने का कोर्स करते हैं पर अपने स्टूडेंट को सही तरीके से गाइडेंस नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों मैंने ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे पास आइए ज्वाइन कीजिए, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रॉपर तरीके से सही तरीके से कहीं एक जगह अच्छे मन लगा के पढ़िए, और जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, और पूरी गलती उस इंस्टीट्यूट की भी नहीं है, क्योंकि आप कितना आप अपने लिए करना चाहते हैं, मतलब ये सब कुछ आप पर है कि अगर किसी ने आपको कुछ चीज़ बताई भी है, कुछ चीज़ समझाई भी है, तो उसको आप कितना और आगे तक ले जा सकते हैं ये आप पर है कि कितनी मेहनत आप कर सकते हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी थी आपके लिए, और आशा करता हूँ कि इससे आपको कुछ सीखने को मिले, और ज़िंदगी में ऐसे ही तरक्की करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए लाइफ में। और अगर आपकी लाइफ में कोई भैंस है तो उसको आज ही कहीं छोड़ आइए, क्योंकि अगर वो जब तक नहीं दूर होगी आपकी जीवन नहीं बदलेगा। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहे चैनल से, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कर दीजिए अगर वीडियो को अच्छा लगे तो।